नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जॉन डन की फेमस मेटाफिजिकल पोइम द एक्सटेसी की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। एक्सटेसी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका मतलब है एक्स मतलब होता है आउट और टेसी मतलब स्टैंड करना, यानी कि स्टैंडिंग आउट बाहर निकलना। ये एक मेटाफिजिकल पोइम है जिसमें जॉन डन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी, अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। इसमें जॉन डन ने ये बताने की कोशिश की है कि फिजिकल लव से ज़्यादा स्पिरिचुअल लव ज़्यादा पावरफुल होता है, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। वेयर लाइक ए पिलो ऑन ए बेड ए प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू द रेस्ट द वॉयलेट्स रिक्लाइनिंग हेड सेट वी टू वन अनदर्स बेस्ट। तो अब इसमें ये पहली लाइन में एक सिमली यूज़ करता है। वेयर, वेयर मतलब किसी एक स्पॉट पर, किसी एक जगह पर। लाइक ए पिलो ऑन ए बेड ए प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू रेस्ट, मतलब तो यही है कि कोई नदी का किनारा है, जिस नदी के किनारे पर दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के पास लेटे हुए हैं, और जो वो नदी का किया या लेटे हुए और नदी का जो किनारा है वो प्रेग्नेंट हो गया। अब आप सोच सकते हैं इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट बेड की दे रहा है, कि जैसे बेड के ऊपर एक पिल्लो है और वो बता रहा है कि जैसे बेड के ऊपर पिल्लो होता है उसी तरह से वो किनारा जो है नदी का किनारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और उस किनारे के एक साइड में वॉयलेट के फूल खिले हुए हैं, और वॉयलेट के फूलों का सर थोड़ा झुका हुआ है, मतलब किनारा वॉयलेट के फूलों से मिलना चाहता है, और वहाँ हम दो बैठे हैं सेट वी टू वन अनदर्स बेस्ट। अब ये जो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड है, पोइट ये बात कर रहा है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जो एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे का बेस्ट समझते हैं, वो एक दूसरे के आस पास बैठे हैं, अगल बगल में बैठे हैं। नेक्स्ट देता है, आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद ए फास्ट बाम विच देंस डिड स्प्रिंग आवर आईज बीम ट्विस्टेड एंड डिड थ्रेड आवर आईज अपॉन वन डबल स्ट्रिंग। अब इसमें ये इमेजरी तो यही है कि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और हाथ उनके हाथ आपस में सीमेंटेड मतलब चिपक गए हैं। चिपक गए हैं किससे चिपक गए हैं कि वहाँ आसपास जो वॉयलेट के फूल हैं उनकी खुशबू से इनके हाथ आपस में चिपक गए हैं। और फिर ये कहता है कि आवर आई बीम ट्विस्टेड, आई बीम ट्विस्टेड का मतलब ये है कि इनकी आंखों में से प्रकाश की दो किरणें निकली, दो किरणें बॉयफ्रेंड की आंखों में से निकली और वो अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में गई, दो किरणें बिलविड की आंखों से निकली और वो पोइट की आंखों में गई। तो बस दो किरणें निकली हैं और वो दो किरणें आपस में ट्विस्टेड होकर एक ही बन गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहता है आईज आर दी विंडो ऑफ दी सोल, कि आत्मा की खिड़कियां कौन है, आंखें हैं, आंखों में ही आंखें डालकर ये कर रहे हैं। सो टू इनग्राफ्ट आवर हैंड्स गेट वाज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन, जो दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, इनग्राफ्ट हुए हुए हैं आपस में, जिनके हाथ जुड़े हुए हैं, ये कहता है कि ये हाथों के जुड़ना ही हमारा एक हो गया। मतलब इनकी जो इनका जो फिजिकल यूनियन है वो कैसे हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। और दूसरा, पिक्चर इन आवर आईज टू गेट वाज ऑल आवर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब सर होता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से आप ये आइडिया लगाइए कि ये आंखों में किसकी तस्वीर देख रहे हैं, क्या वो अपनी आंखों में अपनी बिलवड़ की तस्वीर देख रहा है या उसकी आंखों में उसका बच्चा है, क्योंकि ऊपर इसने किसकी इमेजरी दी है, प्रेग्नेंट बेड की। तो ये क्लियर नहीं होता है कि सर वो किसको देख रहे हैं। मेन मीनिंग यही है कि दोनों के हाथ आपस में जुड़ गए हैं और दोनों की एक दूसरे की आंखों में आंखें देख रहे हैं। जैसे ही वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, इनका प्यार आपस में बढ़ता ही जा रहा है। इनके सामने उसको बिलवड की आंखों में जो तस्वीर नजर आती है, बस वही वो कहते हैं कि वही तस्वीर हमारा प्रोपोगेशन है, वही तस्वीर हमारा प्रोडक्शन है। एज इट वर्क्स टू इक्वल आर्मीज फेट,
अब यहाँ पे वो जो पिछली लाइंस में मेटाफर है उसे वो एक्सटेंड करता है, एक एक्सटेंडेड मेटाफर वो बताता है कि एक ऐसी आर्मी है जिसकी किस्मत क्या है, वो ये बताता है कि सर ये इक्वल आर्मीज, इक्वल आर्मीज मतलब दो बरोबर पावर की आर्मी है, फेट सस्पेंडेड अनसर्टेन विक्ट्री। अब अनसर्टेन विक्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, आज भी यही होता है कि सर दो आर्मियाँ जो बरोबर की होती हैं आपस में उनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि किस्मत की देवी इनको घंटों तक लटका के रखती है कि कौन जीतेगा। इसी तरह से इनकी जो आत्माएं हैं, आवर सोल्स, इनकी जो आत्माएं हैं, विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट, इनकी दोनों आत्माएं जो हैं वो बाहर आ गई हैं, जैसे वो आर्मीज अपना आगे बढ़ना चाहती हैं इसी तरह से इनकी आत्माएं जो हैं वो बाहर आकर क्या कर रही हैं, हंग ट्विक्स्ट हर एंड मी, और वो दोनों की आत्माएं, मेरी और मेरी बिलविड की आत्माएं, पोइट कहता है बाहर आ गई हैं और वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एंड वाइल्स आवर सोल्स नेगोशिएट देयर, और हमारी आत्माएं वहाँ आपस में बातचीत कर रही हैं, वी लाइक स्कल्पचर स्टैचू ले, और हम दोनों क्या है, हम दोनों एज ए स्कल्पचर एक मूर्ति की तरह, हम मूर्ति एक स्टैचू की तरह हम वहाँ पे लेटे पड़े हैं। एक सिमली यूज करता है, लाइक आया सिमली आ गई है, ऑल डे द सेम आवर पोस्चर्स वर, सारा दिन हमारे पोस्चर्स, हमारी जो पोजीशन थी वही थी, हम लेटे रहे और हमारी आत्माएं आपस में बात करती रही, वी सेड नथिंग, हमने कुछ नहीं बोला, ऑल द डे सारा दिन हमने कुछ नहीं बोला, आत्माएं आपस में बात करती रही। इफ एनी, अब इसके बाद में बहुत ही शानदार ये आगे बताता है, इफ एनी यानी कि कोई पर्सन सो बाय लव रिफाइंड, जिसे कि अच्छे प्यार ने रिफाइंड कर दिया हो, इम्प्रूव कर दिया हो, दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, कि वो आत्मा की भाषा समझ सकता हो, एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और प्यार के कारण उस यानी कि अगर वो आत्मा की भाषा समझ सकता है, ऑल माइंड, स्टेट ऑफ ऑल माइंड का मतलब है एक्सटेसी, और वो एक्सटेसी की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। एक्सटेसी को आप हिंदी में समझ लीजिए परमानंद। अब परमानंद क्या होता है, एक तो वो जो भगत बताते हैं कि परमानंद, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ परमानंद का, आप सबने डीजे में डांस किया होगा, जब हम डांस करते हैं, डांस करते समय एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें आसपास की स्थिति का कुछ पता नहीं चलता, बस वही स्थिति है परमानंद। तो वो कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसे लव ने इतना रिफाइंड कर दिया हो कि वो आत्मा की भाषा समझ सकता हो, और अगर वो उसकी उसको एक्सटेसी प्राप्त हो गई हो विद इन कन्वीनियंस डिस्टेंस शुड, और वो एक कन्वीनियंस डिस्टेंस थोड़ा सा नज़दीक ही खड़ा हो, ही दो ही न्यू नोट विच सोल स्पीक, अगर वो वहाँ पास में खड़ा और उसे पता नहीं चलेगा कौन सी आत्मा बोल रही है, बिकॉज बोथ मेंट बोथ स्पेक द सेम, क्योंकि दोनों आत्माएं एक ही बात को बोलेंगी, जो एक आत्मा बोलेगी वही आत्मा दूसरी बात को बोलेगी। यहाँ जॉन डन प्लेटोनिक लव की बात कर रहा है, वो आत्मिक प्रेम की बात कर रहा है जो हमारा भगवान से होता है। तो वो कहता है कि दोनों पर्सन्स, वो पर्सन ये तो नहीं जान सकता कि कौन सी आत्मा बोल रही है क्योंकि दोनों आत्माएं एक ही बात कर रही हैं, लेकिन इन दोनों माइट देंस ए न्यू कॉन्कोकेशन टेक, तब वो कहता है कि इन दोनों की बातचीत से एक नई मैच्योरिटी उसको आ जाएगी, कन्वोकेशन मतलब मैच्योरिटी आ जाएगी, एंड पार्ट फार प्यूरर देन ही केम, और तब वो थोड़ा सा और प्यूरर पवित्र होकर आएगा। दिस एक्सटेसी डोट अनप्रफ्लेक्स, ये जो एक्सटेसी है ये उसे थोड़ा सा और प्रफ्लेक्स कर देगी। प्रफ्लेक्स का मतलब क्या है कि हमें वो थोड़ी सी एक्सटेसी जो है वो शांत बुद्धि दे देगी, थोड़ी सी कामनेस दे देगी। वी सैड एंड टेल अस व्हाट वी लव,
और वो हमें ये हम बताएंगे कि ये एक्सटेसी हमें क्या बताएगी कि व्हाट वी लव, कि हम किस चीज से प्यार करते हैं, वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स। और एक्सटेसी से हमने क्या देखा कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सेक्स नहीं है, औरों का जो प्यार है वो सेक्सुअल प्यार है, बॉडी का प्यार है, हमारा प्लेटोनिक प्यार है। वी सी वी सा नॉट व्हाट डिड मूव, हमने क्या देखा कि वी सी वी सा, हमने क्या देखा व्हाट डिड मूव बट एज ऑल सेवरल सोल कंटेंस सेवरल सोल कंटेंस। अब इसने ये बताता है कि हर एक आत्मा के अंदर बहुत सभी आत्माओं के अंदर बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। दे नो नॉट व्हाट लव दीज मिक्स सोल डोथ मिक्स अगेन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं मेटाफिजिकल लाइंस हैं ये। वो कहता है कि सर हर एक आत्मा के अंदर कई कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है, पर उस आत्मा को ये पता नहीं होता है कि किन किन चीजों का मिक्सचर है। लव दीज मिक्स सोल डोथ मिक्स अगेन, जब प्यार इन अलग अलग मिक्सचर वाली आत्माओं को दोबारा जोड़ता है एंड मेक बोथ वन, और उन आत्माओं को जोड़कर पुनः एक आत्मा बना देता है, ईच दिस एंड डेथ, तब भी हर एक आत्मा अपना एक स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन बनाए रखती है। हालांकि प्यार ने दोनों आत्माओं को मिक्स करके एक बना दिया, पर फिर भी जब आत्माएं मिलती हैं तो हर एक आत्मा की अपनी एक अलग पहचान रहती है। ए सिंगल वॉयलेट ट्रांसप्लांट, यानी कि क्या कहता है कि इस चीज में आत्माएं जो हैं वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर मिलती हैं, आत्माएं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर मिलती हैं। और इसके बाद में ये कहता है कि ए सिंगल वॉयलेट ट्रांसप्लांट, और वो कहता है कि इस तरह एक जब दो आत्माएं मिलती हैं उसको ये ग्राफ्टिंग का एग्जांपल देता है। जब हम दो दो चीज़ों को कलमों से मिलाते हैं, ग्राफ्टिंग से मिलाते हैं, तो एक सिंगल ट्रांसप्लांटेड वॉयलेट उगता है। और वो कहता है जो ये ट्रांसप्लांटेड वॉयलेट उगता है, द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज विच वॉज विच ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड स्कैंट। तो वो कहता है कि पहले जो वॉयलेट कलर का फूल था उसकी पावर, उसका साइज, उसकी जो उसका जो कलर था वो कमज़ोर था, लेकिन अब जब वो दो चीज़ों का मिक्सचर ग्राफ्टिंग हो जाती है तब जो वो एक फूल उगता है उसकी जो फूल की साइज वगैरह रीडबल स्टिल वो रीडबल हो जाती है एंड मल्टीप्लाई और कई गुना बढ़ जाती है। When love with one another so interminates two soul, इसी तरह से प्यार जब दो आत्माओं अलग अलग आत्माओं को मिलाता है, एक करता है, तब उससे जो आत्मा बनती है उसे ये कहता है the abler soul, वो एक शक्तिशाली आत्मा बनती है, which thence doth flow defect of loneliness control, वो जो आत्मा बनती है उस वो लोनलीनेस अकेलेपन की भावना से मुक्त होती है। बहुत शानदार एग्जांपल देता है, ये कहता है कि जब दो फूलों को मिलाते हैं तो मिलने से पहले फूल कमजोर होते हैं लेकिन मिलने के बाद वो स्ट्रोंग हो जाते हैं, उसी तरह जब दो आत्माओं को मिलाया जाता है तो मिलने से पहले आत्मा कमजोर होती है लेकिन जब दोनों आत्माएं मिक्स हो जाती हैं तब जो आत्मा बनती है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही एबलर बनती है। वी देन हु आर दिस न्यू सोल, अब ये कहता है कि हम क्या हैं, हम वो नई आत्मा हैं, नो ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, हम जो लवर्स हैं वो ये नई आत्मा बन गए हैं और हमें पता है कि हमारी आत्माएं व्हाट वी आर कंपोज्ड, हमारी आत्माएं किससे मिलकर बनी हैं, फॉर द एटम्स ऑफ विच वी ग्रो, हमें पता है कि हम किन एटम्स के मिलकर बने हुए हैं, वी ग्रो आर सोल हुम नो चेंज कैन इन्वेड, जिन हम जब
मिक्स होकर, प्रेम से मिक्स होकर एक नई आत्मा बन गए हैं, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। बट ओ अला सो लॉन्ग सो फार आवर बॉडीज वाई डू वी फोर बियर। तो अब ये कहता है कि हमें बड़ा अफसोस है कि बट सो लॉन्ग आवर बॉडीज वाई डू वी फोर बियर, हमने अब तक अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इनकी बॉडी बताया था मैंने आपको, ये दोनों आपस में एक नदी के किनारे लेटे पड़े हैं, आपस में इनकी आत्माएं बाहर निकल कर बातचीत कर रही हैं और इनकी जो बॉडी है वो वहाँ पे मूर्ति के रूप में पड़ी है। दे आर आवर्स, वो कहता है कि वो बॉडी हमारी है, दो दे आर नॉट वी, हालांकि वो बॉडी हमारी है लेकिन वो हम नहीं है। हम क्या हैं? वी आर द इंटेलिजेंस, हम तो आत्माएं हैं, हम तो सूक्ष्म बुद्धि हैं। दे आर द स्फीयर्स, वो तो हमारा क्षेत्र है, स्फीयर मतलब क्षेत्र है। तो अब ये बॉडी की बात बता रहा है कि वो शरीर हमारे होने के बावजूद हमारे नहीं हैं, हम तो आत्माएं हैं, वो स्फीयर हैं। वी ओव देम थैंक, हम उनका धन्यवाद करते हैं, बिकॉज दे थस डिड अस टू अस एट फर्स्ट कन्वे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ही सीधे सीधे हमारे को मिलाया था। कैसे मिलाया था? हाथ से हाथ मिले थे, आंखों में से आंख, आई बीम से आई बीम ट्विस्ट हुई थी। इस तरह से हम उनका थैंक यू करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमें मिलाया है। कन्वे का मतलब होता है, उन्होंने हमें सबसे पहले हमारे को कम्युनिकेट किया है। यील्डेड देयर सेंसेस फोर्स टू अस, उनकी जो सेंस की फोर्स है, और नोर आर ड्रॉस टू अस बट एलय, अब वो कहते हैं उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है, वो हमारे लिए एक एलय हैं। एलय मतलब एक, हमारे लिए वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल मैटर है हमारे लिए वो एलय हैं। On man heaven's influence work not so, अब वो कहता है कि इंसान के ऊपर heavens, heaven मतलब ऊपर जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव हमारे आत्माओं पर नहीं पड़ता है। But that it first imprints the air, पहले ये प्रभाव वायु पर पड़ता है, हवा पर पड़ता है। So soul into the soul may flow, इसी प्रकार पहले ये प्रभाव वायु पर पड़ता है, फिर ये प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। इसी तरह से एक से दूसरी आत्मा सोल में फ्लो, एक दूसरी आत्मा टच में आ जाती है। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, इसके लिए सबसे पहले हमें बॉडी को थोड़ा तैयार करना पड़ता है। एज आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट स्प्रिट, पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, फिर हमें दूसरे की बॉडी को तैयार करना पड़ता है। इसके अंदर हमारा शरीर जो है काफी, हमारा ब्लड जो है वो काफी मेहनत करना करता है। आवर ब्लड लेबर्स टू बी गेट स्प्रिट एज लाइक सोल्स एज इट कैन, क्योंकि हमारे ब्लड को ऐसी स्प्रिट प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो कि उस सोल के लिए इक्वलेंट हो। बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू निट दैट सटल नोट विच मेक्स अस मैन, क्योंकि वो कहता है कि ऐसी हमें, ऐसी फिंगर्स ही एक ऐसी सटल नोट, नोट मतलब गांठ बना सकती है जिससे हम इंसान बन सकते हैं। मीनिंग इसका यही है, लाइंस, क्योंकि ये लाइंस थोड़ी सी क्या है, मेटाफिजिकल हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लेटोनिक लव बन जाता है। प्लेटोनिक लव की बात करता है, है कि इस तरह से वो कहता है कि हमारी बॉडी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। यानी कि अगर आप इस चीज़ को यूं देखिए कि जैसे इसने स्टार्ट लास्ट पैरा में कहा था कि हेवन हमारी जो ग्रह नक्षत्र है हमारी बॉडी पर एयर से प्रभाव डालते हैं,
उसके बाद ही हमारी आत्माओं पर असर पड़ता है और आत्माएं दूसरी आत्मा से किस प्रकार बातचीत करती हैं शरीर के थ्रू इंटीग्रेट कैसे करती हैं, आत्मा दूसरी आत्मा से कैसे मिलेगी, शरीर के थ्रू मिलेगी। हमारी बॉडी को हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमें हमें बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है और ये जो चीज़ है यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आत्मा से अलग करती हैं। आत्मा को बच्चे नहीं पैदा करने होते हैं, बस ये मेटाफिजिकल है। अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे फिर इन तीन चार स्टैंजर्स जो है इनका मीनिंग निकल पाता है। हमारी आत्मा और हमारा शरीर जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इट इज अफेक्शन एंड टू फैकल्टीज विच सेंस मे रीच एंड एप्रीहेंड। अब ये कहता है कि सर जो ये प्योर लवर होते हैं, सो मस्ट प्योर लवर सोल डिसेंड इट्स अफेक्शन एंड टू फैकल्टीज। वो प्योर लवर मतलब जो प्लेटोनिक लवर्स होते हैं उनकी आत्माएं जो होती हैं वो शरीर से कंटेक्ट में आती हैं और वो अफेक्शन अफेक्शन मतलब सेंसेशन ग्रहण करती हैं विच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड, जिन्हें सेंस प्राप्त कर सकते हैं। एल्स ए ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइन, बहुत ही शानदार एक एक बताता है कि आत्मा जो है आत्मा एक महान राजा की तरह है, महान राजा की तरह है जो कि जेल में पड़ा है। टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट सो वीक मैन ऑन लव रिवेल्ड में लुक। अब वो कहता है कि हमारे को अपनी आत्मा का संबंध शरीर से स्थापित करना चाहिए ताकि हम जैसे जो कमजोर लोग हैं वो एक्सटेसी को प्राप्त कर सकें। सो वीक मैन ऑन लव रिवेल्ड में लुक, जो हमें प्यार ने क्या रिवेल्ड किया था, एक्सटेसी हमें प्यार ने जगाई थी, हमें उसको प्राप्त करना है। लव्स मिस्ट्री इन सोल डू ग्रो, प्यार का जो रहस्य है वो आत्माओं में बढ़ता ही रहता है। येट द बॉडी इज हिज बुक, पर वो आत्माएं जो हैं वो जो ये वो कहता है कि ये जो बॉडी है वो इस प्यार की एक बुक है। एंड इफ सम लवर सच एज वी, और कोई प्रेमी जैसे हम हैं, हैड हियर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, और उसने अगर उस अगर कोई हम जैसा सच्चा स्पिरिचुअल प्लेटोनिक लवर है और उसने कभी आत्माओं के डायलॉग को सुना है, लेट हिम स्टिल मार्क अस, तो भी वो क्या देखेगा, ही शैल सी स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गोन, तब भी वो क्या देखेगा कि जब हम वापस अपनी अपनी बॉडी में जाएंगे, हमारी आत्माएं वापस अपनी अपनी बॉडी में जाएगी, तब भी हमारे व्यवहार में वो बहुत कम ही अंतर देखेगा। मीनिंग यही है कि ये प्लेटोनिक लव को फिजिकल लव से ऊपर बता रहा है और वो यही कहना चाहता है कि अगर कोई पर्सन ने, अब वो कहता है कि बस इन लास्ट स्टैंजर्स में वो यही बताना चाहता है क्योंकि ये सारा का सारा जो लास्ट लाइंस हैं ये सारी की सारी पूरी तरह से मेटाफिजिकली भरी पड़ी हैं। मेटाफिजिकल का एक मतलब होता है बियॉन्ड द नेचर, तो बियॉन्ड द नेचर की ये बात कर रहा है भगवान, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर कोई पर्सन हमारे इंटीग्रेशन को देखता है तो वो हमारी बॉडी में हमारे व्यवहार में को थोड़ा बहुत ही चेंज देखेगा क्योंकि हमारी आत्माएं पहले ही रिफाइंड हो चुकी हैं। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।